गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मी मिस आमना अशरफ राजपूत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम डीन बिजनेस स्कूल। होप स्टूडेंट्स दैट यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग गुड एट होम। स्टूडेंट्स, टुडे अगेन इज अ एसे डे। वी आर गोइंग टू राइट वन एसे अगेन टुडे। यस्टरडे वी हैव रिटन, यस्टरडे वी रोट वन एसे ऑन गुड डे। जिस तरह से कल हमने एक एसे लिखा था गुड डे पर, इसी तरह हम आज एक और एसे जो है वो लिखने वाले हैं। बट टुडेज ऐसे टॉपिक इज बैड डे। जैसे कल हमने अच्छे दिन पर ऐसे लिखा था गुड डे पर, इसी तरह उसका अपोजिट कर दीजिए, आज हम ऐसे लिखेंगे बैड डे पर। अच्छे दिन पर हमने बताया था कल, जैसे हमने बर्थडे के बारे में बताया, एक बर्थडे आपने डे आपने उसके बारे में बताया कि क्या क्या चीज़ें हुई उस दिन और वो क्यों आपके लिए अच्छा दिन था, आपको क्यों याद रहा कि वो एक अच्छा दिन था। तो इसी तरह से आज जो हम ऐसे लिखेंगे वो है बैड डे के बारे में। बैड डे यानी कि बुरा दिन, कि क्योंकि होता है कि इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई एक अच्छा दिन होता है कि जो हमें याद रहता है, कि वो अच्छी यादें होती हैं उसकी, और कोई ना कोई एक ऐसा बुरा दिन होता है कि वो भी आपको याद रहता है कि उस दिन ऐसा कुछ बुरा हुआ होगा जो आपको याद रह गया। सो वी आर गोइंग टू राइट एसे ऑन अ बैड डे। फर्स्टली सेम थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई हैव मेड अ माइंड मैप। मैंने यहाँ पे एक माइंड मैप बनाया है। आई एम गोइंग टू रीड द पॉइंट्स ऑफ इट। फर्स्ट पॉइंट इज विच वॉज योर बैड डे। बैड डे, अब जैसे कि हमने कल बताया था कि अब सबसे पहले तो ये बात बताओगे कि कौन सा दिन था जो आपका बुरा दिन गुजरा। यहाँ पे आप डेट बता सकते हो कि ये डेट, ये सन, ये ईयर जो भी था वो बुरा गुजरा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका विच वॉज योर बैड डे, आपका कौन सा था बुरा दिन। सेकेंड पॉइंट, वॉट डिड हैपन दैट डे। अब जाहिर है वो बुरा दिन था तो वो क्यों था बुरा दिन, ऐसा क्या हुआ उस दिन पर, तो वो आपने बताना है वॉट डिड हैपन दैट डे, उस दिन क्या हुआ था। थर्ड डे, हाउ डिड यू फील दैट इट वॉज अ बैड डे, आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि वो बुरा दिन था। यानी कि आपने यहाँ पे इस पॉइंट में ये बताना है कि मतलब आपको कैसे पता चला कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे आपको लगा कि ये मेरा बुरा दिन है। आप पूरा दिन आप उस दिन पे सैड रहे होंगे, या आपको याद रह गया कि वो ये इस दिन पे कुछ अच्छा नहीं हुआ था इसलिए वो बुरा दिन है। तो आपने बताना है यहाँ पर कि आपको ये कैसे महसूस हुआ कि वो बुरा दिन है, एक रीज़न बताना है, मतलब कि क्या हुआ था। फोर्थ पॉइंट, वॉट वॉज योर फीलिंग दैट डे। फोर्थ पॉइंट में आपने अपनी फीलिंग बतानी है कि अगर कुछ बुरा हुआ था तो उस वक्त पे आप क्या महसूस कर रहे थे, आपको क्यों, मतलब जो भी आपके साथ हुआ उस दिन पर, तो उसके बाद आपकी फीलिंग कैसी थी। तो इस पॉइंट में आपने क्या बताना है कि वो कैसा आप फील कर रहे थे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज वॉट डिड यू लर्न दैट डे। क्योंकि ऐसा ही होता है ना अक्सर कि अगर आपके साथ कोई बुरी चीज़ हुई है तो उस बुरी चीज़ से कभी भी हमें कुछ गलत नहीं बल्कि कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी बुरा होता है तो उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखने को मिलता है। तो आपने क्या बताना है इस पॉइंट में, व्हाट डिड यू लर्न दैट डे, उस दिन से आपने क्या सीखा। ठीक है, तो दीज आर द फाइव पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू राइट इन अवर एसे, एक्सप्लेन इन अवर एसे विच वॉज योर बैड डे। सबसे पहले बताना है कौन सा दिन था बुरा, व्हाट डिड हैपन दैट डे, उस दिन पर ऐसा क्या हुआ था, हाउ डिड यू फील दैट इट वॉज अ बैड डे, आपको कैसे लगा, आपको कैसे महसूस हुआ, आपको क्यों लगा कि वो बुरा दिन है। फिर फोर्थ पॉइंट, वॉट वॉज योर फीलिंग दैट डे, आपके उस दिन आप कैसा महसूस कर रहे थे, वॉट डिड यू लर्न दैट डे, और उस दिन से आपने क्या सीखा। तो ये सारे पॉइंट जो है हम अपने एसे में लिखने वाले हैं। नाउ आई एम गोइंग टू मेक दी पॉइंट्स ऑन एसे, सो जस्ट कम टू एसे। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू राइट एसे ऑन बैड डे फ्रॉम द पॉइंट्स विच वी हैव मेड, विच वी हैव रिटन इन द माइंड मैप। हमने जो जो पॉइंट्स माइंड मैप में लिखे थे, अब हम उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे अपने ऐसे में। सो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या था, विच वॉज योर बैड डे, आपका बैड डे कौन सा था, तो उसमें आपने क्या बताना है, डेट बतानी कि ये डेट जो, ये दिन जो है वो आपका बुरा दिन था। 20th June वॉज माई बैड डे, यहाँ पे जो भी आप डेट, कोई भी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका दिन था। 20th June वॉज माई बैड डे, 20th June मेरा बुरा दिन था, बुरा दिन गुजरा था, लेकिन क्यों गुजरा था वो अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स में बताएंगे। कि क्योंकि आपके पास सेकंड पॉइंट क्या था माइंड मैप में, व्हाट डिड हैपन दैट डे, उस दिन पर क्या हुआ था। तो उस दिन पर क्या था सेकंड पॉइंट, इट वाज अ रेसिंग डे। मैंने यहाँ पे जो टॉपिक सेलेक्ट किया है बैड डे के लिए, वो एक रेसिंग डे है, यानी कि साइकिल रेस। उस दिन पर साइकिल रेस थी, जो इस तरह से जो है वो, यानी कि आपने अपने पॉइंट बताने के, वो साइकिल रेस आप हार गए थे तो इसलिए वो आपका बुरा दिन गुजरा था। तो सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया इट वॉज अ रेसिंग डे, कि वो दिन, उस दिन पर क्या हुआ था, वहाँ पर रेस हुई थी, साइकिल बाईसाइकिल रेस हुई थी, तो वो एक रेसिंग डे था। फिर वो थर्ड पॉइंट पे हमने माइंड मैप में हमने क्या लिखा था कि आपको, हाउ डिड यू फील दैट इट वॉज योर बैड डे, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो आपका बुरा दिन गुजरा, या किस बात से आपको ऐसा लगा। तो क्या हुआ था उस दिन पे, आई लॉस्ट द साइकिल रेस, मैं साइकिल रेस हार गया था इसलिए मुझे लगा कि वो क्या है, बुरा दिन है, आपको बुरा दिन गुजरा। तो ये थर्ड पॉइंट में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि आपको क्यों लगा कि वो बुरा दिन है।
फोर्थ कम टू द फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट में क्या माइंड मैप में हमने लिखा था, व्हाट वाज योर फीलिंग दैट डे, आपकी उस दिन पर क्या फीलिंग्स थी, आप क्या कैसा महसूस कर रहे थे. तो जाहिर है हारने के बाद कैसा महसूस होगा, इंसान दुखी होगा, उसको गुस्सा भी आएगा हो सकता है. तो यहाँ पे जो है वो फोर्थ पॉइंट में फीलिंग बतानी है कि आई फेल्ट सैड, मुझे बहुत दुख महसूस हुआ, मैं बहुत दुखी था उस दिन पर. और मतलब अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, कोई रेस है आपकी या कोई कंपटीशन है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो हार जाएं, तो ये नेचुरल सी बात है कि उस पर क्या होगा, दुख होगा और हो सकता है गुस्सा भी आए कि हमने इतनी तैयारी की लेकिन फिर भी हम हार गए. तो इस तरह से ये क्या बताया, आपने अपनी फीलिंग बताई है. वो बैड डे भी इसीलिए था कि वो आपको याद रह गया कि इतनी तैयारी के बाद भी जो है वो आपको कॉम्पिटिशन जो है वो हार गए. आई फेल्ट सैड. नंबर फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि जब भी कोई बुरी चीज़ होती है तो उससे क्या, जैसे मैंने आपको बताया माइंड मैप में, कि हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीखने को मिलता है. तो उस पर उस पॉइंट में आपने क्या बताना था कि व्हाट डिड यू लर्न दैट डे, आपने उस दिन से क्या सीखा. उस दिन से क्या सीखा, आई लर्न दैट विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग. मैंने क्या सीखा उस दिन से, कि विनर्स जो है वो कभी भी हारने से डरते नहीं हैं, यानी जीतने वाले कभी भी हारने से डरते नहीं हैं. लेकिन ये बात आपने किस तरह से सीखी, क्योंकि जब मतलब ऐसा होता है कि अगर आप हार गए हो फॉर एग्जांपल, तो क्या था कि आप पूरे दिन से वो सैड थे कि मैं हार गया हूँ और आप बहुत दुखी थे. तो आपके पेरेंट्स ने आपको समझाया कि हारना बुरी चीज़ नहीं है. और ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि अगर इंसान कोई ना कोई, कभी भी हम किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं और हम हार जाएं, तो हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने कोशिश की यही एक बहुत बड़ी बात है. तो कभी भी हारने से जो है वो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हारेंगे दूसरी बार हारेंगे, लेकिन कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि आप वहाँ पे सक्सेस जो है वो आपको मिलेगी, आप जीतेंगे. एक चीज़ को यानी कि जब आप बार बार ट्राई करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हर बार ही आपको हारना पड़े. तो इस तरह से आपने क्या सीखा, आपके पेरेंट्स ने आपको समझाया कि जो है वो हारना बुरी चीज़ नहीं होती है, हारने से हम सीखते हैं हमेशा. तो हमने क्या सीखा इससे, आई लर्न दैट विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग. जीतने वाले कभी भी हारने से डरते नहीं हैं, क्योंकि जब हारेंगे आप तभी आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे. सो दीज आर द फाइव पॉइंट्स विच आई हैव रिटन ऑन अवर एसे बैड डे. ये पॉइंट्स जो हैं वो हमने सारे माइंड मैप से बनाए. जस्ट वन टाइम आई एम रीडिंग. 20 June वॉज माई बैड डे. 20 June मेरा बुरा दिन था. इट वॉज अ रेसिंग डे. उस दिन पे हुआ क्या था, वो एक रेसिंग डे था. थर्ड पॉइंट में आपने कैसे महसूस किया कि वो बुरा दिन था, आई लॉस्ट द साइकिल रेस. मैं साइकिल रेस हार गया था. कैसा महसूस हुआ आपको, आई फेल्ट सैड, मुझे बहुत दुख महसूस हुआ, मैं बहुत दुखी था उस दिन पर. क्या सीखा आपने, आई लर्न दैट विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग. मैंने सीखा कि कभी भी विनर्स जो हैं वो हारने से डरते नहीं हैं, खौफज़दा नहीं होते. तो दीज आर द फाइव पॉइंट्स. या आपने जो है वो ऐसे जो है वो अपनी कॉपी में उतारना है. फर्स्टली यू विल मेंशन टुडेज डेट, आज की डेट डालनी है आपने. एंड यू विल राइट एसे ऑन टॉप बैड डे, और इससे रिलेटेड अगर आप जैसे हमने साइकिल रेस के बारे में लिखा हो तो आप इससे रिलेटेड कोई पिक्चर बना सकते हैं. एंड दीज फाइव पॉइंट्स यू हैव टू कॉपी. ये सारे पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी में उतारने हैं. तो होप स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. यू हैव टू वॉच द वीडियो केयरफुली. देन वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.